हम एप्पल का सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मेट के बाद। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश को चूज करना है, आपको जो भी लैंग्वेज रखना है उसको चूज करना है। यहाँ पे हम इंग्लिश चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो सिंपली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे सेटिंग लैंग्वेज, फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटअप मैनुअली पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिलता है कि किस टाइप के आप यहाँ पे कीवर्ड्स या फ्रेंड्स परफॉर्मेंस को आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे कस्टमाइज पे फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप कस्टमाइज भी चेक फ्रेंड्स चूज कर लेंगे और यहां से लैंग्वेज को आप ऐड करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स यहां पे हम बाय डिफॉल्ट करने वाले हैं, तो हम बैक जाएंगे और यहां पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पे फ्रेंड्स आपके नज़दीक में जितने भी नेटवर्क्स होंगे यहां पे शो हो जाएंगे। मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पर रेडमी 919 का फ्रेंड्स यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप चाहें तो इसको कनेक्ट करेंगे या फ्रेंड्स इसको आप चूज अनदर नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, या फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कनेक्ट टू मैक और या पीसी फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं, तो चलिए हम यहाँ पे इसका पासवर्ड को डाल देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दूसरा नेटवर्क को ज्वाइन किया है, देन यहाँ पे हम ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट मे टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर आईफोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके मोबाइल में फ्रेंड्स जितनी भी कैपेसिटी होगा उसके अनुसार यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम लगता है इसको प्रोसेसिंग होने में, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछता है डाटा एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि टच आईडी, यानी फ्रेंड्स यूज योर फिंगरप्रिंट आईडी इन प्लेस टू यू पासवर्ड एप्पल आईडी पासवर्ड फॉर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट को आपको यहाँ से प्लेस कर लेना है। इसको फ्रेंड्स ये जो रियो आपको दिखाई दे रहा है इसको सबको फिल करके भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको फ्रेंड्स फिर से आपको पूरा फिल यहाँ पे फ्रेंड्स अपना फिंगरप्रिंट को दे देना है ताकि फ्रेंड्स ये खुल जाए। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। फ्रेंड्स आपको 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है, तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको उस पासवर्ड को फिर से रीटाइप करना है, तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर फिर से पासवर्ड को रीटाइप कर लेते हैं। पे आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है ऐप्स एंड डेटा के बारे में। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि क्या आप पहले वाले जो डेटा था उसको आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स रिकवर तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, या फ्रेंड्स यहाँ से डोंट ट्रांसफर ऐप एंड डेटा पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक एप्पल आई डी को बनाएंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एप्पल आई डी बनाने नहीं आता है तो इस पर फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो आप इसको देखेंगे और अपना एक एप्पल आई डी को बनाएंगे। फ्रेंड्स बनाने के बाद आपको यहां से इसको फ्रेंड्स नेक्स्ट पर क्लिक करके और इसको सेव कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आप अपने एप्पल फ़ोन को कैसे सेटअप करना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।